थोड़ी देर पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे थे। फोटो देख लो इनके। कुछ हुआ भी नहीं, एक्सीडेंट भी हो गया, हॉस्पिटल में व्हील चेयर पे डाउन में मार के आ गए। मेरे को इतनी घुटन लग रही थी उस व्हील चेयर के अंदर कि मेरे को उठने को बोल दे बस मैं खड़ी हो जाऊं, मुझे अच्छे नहीं लग रहा उसमें बैठना। काफी महंगा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो करे नहीं पूरा नहीं। पूरा आपकी बॉडी चेकअप हो गई। मैंने उसको बोला वो उनको हर्ट हुआ, मुझे नहीं हुआ, मैं पीछे थी। पर नहीं, उसने कहा फिर साइन करो, फॉर्म भरो, पूरी बॉडी चेक करेंगे फिर छोड़ेंगे। इंजेक्शन वगैरह ना लगा दें। मैं तो मैंने कहा था, मैं अगर इंजेक्शन बोलेंगे मैं इंजेक्ट नहीं करूंगा, हमने दूंगा अपनी बॉडी में। उस व्हील चेयर में पता नहीं कितनी घुटन लग रही थी ना, मेरे को कैसे बंदिश लग रहा था कि मेरे को कहीं ना कहीं। और वो लड़का मजे से बैठा हुआ है, वो तो फोन में लगा रहा है। मुझे अच्छा, पहले तो जब चोट लगी ना, मुझे लग रहा था कि बेचारे के चल लगे कोई बात नहीं। जब हॉस्पिटल पहुंचे ना, मेरा मन का तो गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, मैं बेवकूफ सा। यार पर उस बेचारे की हाथ में नहीं था ना कुछ। एक साल पहले मैं यहीं आया था, मैं तो यहाँ खाउसन रोड पे ही रहता था ना। एक साल पहले जब 5-6 दिन रुका था तो मैं यहीं रुका था। तो हम पैदल पैदल सुबह गए थे वहां पे, कहा वो खाना गुरुद्वारे खाना खाने। चाइल्ड लॉक लगा होगा ना। वेयर, हेलो, खाउसन रोड। ओके थैंक यू। खापुम खाप, खापुम खाप, हाँ वो हम खापुम खापुम खाप, खापुम खाप। तुम्हारा हो जाता खापुम खाप। देख बिल्कुल ढाई घंटे लग गए वहां पे हॉस्पिटल वगैरह के सारे चक्कर में। अब कर रहे हो खापुम खाप खापुम। हाँ तो गांजा बेच रहा है और उसी के ऊपर बॉब मारले की फोटो लगा रखी है। बॉब मारले का गाना भी दे, गांजा गांजा। तो दोस्तों आज हम आए हैं खाउसन रोड, और खाउसन रोड मेरे लिए बहुत जानी पहचानी जगह है, क्योंकि जब मैं एक साल पहले थाईलैंड आया था तो मैं खाउसन रोड पर ही रुका था। मतलब खाउसन रोड के पास में मेरा हॉस्टल था और मैं वहाँ पर कुछ एक हफ्ते के करीब रुका था। और खाउसन रोड की खासियत क्या है कि जितने भी यूरोपियंस होते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग होते हैं, उनकी ये फेवरेट जगह है बैंकॉक में, वो सबसे ज़्यादा खाउसन रोड पर रुकते हैं। और क्यों रुकते हैं हम आपको आगे दिखाएंगे। और जितने भी इंडियंस या एशियन लोग होते हैं वो सब नाना प्लाजा के आसपास रुकते हैं। तो मैं जब पहली बार आया था तो मैं खाउसन रोड पर एक हफ्ता रुका था, और इस बार मैं नाना प्लाजा में रुका हूँ, क्योंकि मेरे को नाना प्लाजा में इसलिए रुका था क्योंकि मुझे बैंकॉक में ज़्यादा स्टे ही नहीं करना था। रुक जा। तो अब ज़रा ध्यान से भाई, ये खाउसन रोड है और अब तू देखियो कि क्यों है। 160 नहीं 140। हाँ मिल रहे गिलास में। जूस ले लो बस। कौन सा लेना है? मैं ये ले लो, पिंक वाला। ये वाटरमेलन है ना? वाटरमेलन
आगे आपको कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो भी बिकते हुए मिलेंगे, कीड़े मकोड़े, ये क्रोकोडाइल का वो उन्होंने मतलब क्यों बोला, आप जितना खरीदोगे ना ये उतना हिस्सा काट के उसको बना करके आपको दे देंगे। अभी आगे मालूम पड़ेगा कि ये यूरोपियंस की क्यों फेवरेट जगह है। अच्छा, यहाँ पर ना लाफिंग गैस के गुब्बारे भी मिलते हैं। अच्छा, हाँ मतलब वो 100 बार 150 बार का है, उसको गुब्बारे में गैस भर के देंगे, आप वो उसको थोड़ी थोड़ी इनहेल करते रहो, लाफिंग गैस बोलते हैं उसको। पर बेवकूफ बनाने का धंधा मैंने पिछली बार वो लिया था, एक से कुछ नहीं होता है, मतलब उसमें मिलावट करते हैं, नकली गैस पर होती है, पता नहीं क्या है, मतलब आपको 2-3 खरीदने पड़ जाएंगे अगर आपको हंसना है तो। हंसना है तो कमाल की बात है, मैं उसके बाद भी नहीं हंसा। आप तो आप हो, आपको हंसाना कोई बच्चों का खेल है क्या? लेना आई लव खाउसन, इसके बाद मैंने फोटो ली थी ना यहाँ पे, माय डार्लिंग। तो दोस्तों इस समय हम खाउसन रोड पे हैं, एक्सीडेंट वाला किस्सा तो मैं आपको आगे स्पेशल वीडियो बना करके बता दूंगा। तो इसे टैटू बनाने का बड़ा शौक़ था, एक इसका शौक़ था कि मेरे को एक टैटू बनवाना है, तो इसने हमने कल वहाँ पर भी पता किया था नाना के आसपास, तो वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो एक्सपेंसिव था पर एक ही शॉप में मिली, शॉप तो और भी थी पर ये बना रहे टैटू। ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, हमने इनको फ़ोटो, इसने गूगल से एक फ़ोटो डाउनलोड की थी तो फ़ोटो इन्होंने आई ड्रॉप के थ्रू ली है और उस पर ये काम कर रहे हैं। 2500 भात मांग रहे थे छोटे से, 4-5 चिड़िया बनाने के, तो मैंने बोला कि मैं 2000 भात दे सकता हूँ, आप चाहो तो 1-2 चिड़िया कम कर लो। इन बाहर यहाँ ये पूरा खाउसन रोड है, तो बार मसाज होती है, बार है बहुत सारे, मतलब बहुत यूनिक लाइफस्टाइल है। अभी रात को 11-12 बजे के बाद तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। इनको बोल 1-2 चिड़िया कम कर ले और पैसे भी कम कर दें। हैं, मैं नहीं बोली, मुझे पूरी चिड़िया चाहिए। पूरी चिड़िया चाहिए, कितनी है? पता। अच्छा, तूने गिनी भी नहीं है? मैंने पूरे एक से पिक्चर निकाली है ऐसे। कितनी चिड़िया गिनी हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चिड़िया के 2000 रुपये मांग रहे हैं, 2000 भात, तो मतलब एक चिड़िया 200 भात की पड़ी, तो अगर हम 3 चिड़िया कम करा लें तो देखो एक एक चिड़िया निकाल रहे हैं वहाँ से। ये आर्टिस्ट है लेडी जो बनाई थी इसका टैटू, यही है ना लड़की जो भी आई थी, इसने बनाना है टैटू इसका। कह रहे मैं आर्टिस्ट को दूँ, उन्होंने मैंने बोला कि मैं 2500 नहीं दूंगा, मैं 2000 दूंगा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आर्टिस्ट से बात करता हूँ, अगर आर्टिस्ट एग्री करेगा तो हम 2000 लेंगे। तो ये आर्टिस्ट है तो इसने कहा कि ठीक है मैं 2000 में बना दूंगी। और ऊपर देखो स्लोगन की लाइन क्या लिखी है इन्होंने, नो पेन नो गेन, मतलब टैटू बनवाते टाइम दर्द हो तो उन्होंने लिख दिया नो पेन नो गेन। राइट और लेफ्ट विच इज बेटर? दिस हैंड इज ओके, इट्स ओके, यू कैन पुट एनी, ऐसे इस वाले हाथ में बनाओ जहाँ से चिड़िया बाहर निकल जाए। But she want this side, not this. This, okay? Yeah. The bird is like flying out that way. You see that? Okay. Nah.
बस ध्यान रखना नस वस ना कट जाए, एक ही बीवी है। ये देख इन टैटूज का ना मीनिंग होता है, देखो इमोशन ऑफ एंड ऑन ऑफ को। कि साथ में बनवाना कंफर्म कर लेना, क्योंकि निकलवाने का खर्चा इससे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा खर्चा है निकलवाने का, और दर्द भी होगा। दिखाइए। अच्छा ये इन्होंने कैसे किया, मार्क किया वो कागज। अच्छा मार्क किया है ना, अब इसके अंदर ये इंक भर देंगे। अच्छा जो जितने भी ये खुद होते हैं टैटू आर्टिस्ट, इनके खुद भी अतरंगी होते हैं ना, जितने भी दोस्तों टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े अतरंगी होते हैं। ये देखो ये टैटू आर्टिस्ट है, इसके पैर पे टैटू देखो कलरफुल वाला, हाथ देख लो, जूम करके दिखाता हूँ देखो। कितनी चिड़िया बन गई, एक बन गई, फिर ज्यादा पैसे नहीं दे रही है, छोटी वाली बनी बड़ी वाली। अच्छा बड़ी वाली इतनी जल्दी बन गई, फिर तो सच में ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। 10 चिड़िया, देख ऊपर क्या लिखा है, अब मैं इसमें क्या देखूँ, तो कह रही आके देखो क्या देखो, अब जिंदगी भर यही देखना ही हटेगा तो है नहीं, चार पांच गुना खर्चा इसको हटाने का। अभी जिंदगी भर तेरे लिए निशानी रहेगी, तेरे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। कितनी बनवाना, पांच, तो 10 चिड़िया बनवानी है, पांच बन गई है, छोटी छोटी बड़ी बन गई, तो ये तो फटाफट बन जाएगी। उन्होंने कहा था आधा घंटा लग गया, तो 10 मिनट में बन जाएगी। पर वो उसने नाना वाले ने भी बोला था ना कि अगर आप एक डॉट भी बनवाओगे तो मिनिमम 2000 है, मतलब मिनिमम जो बेसिक प्राइस ही 2000 बात है, तो अगर एक डॉट भी बनवाते हो तो भी आपको मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा। हमने पैसे बचाने के लिए नहीं, इसमें छोटा सा शौक था कि छोटा सा टैटू बन जाए हाथ पे। बन गई सारी, दोस्तों इन्होंने कहा 30 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली लगेगा, पर 20 मिनट में ही बन गई है।
गिन ले पूरी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ पूरी है। प्लास्टिक लगवा लो Tomorrow you take off plastic coat, okay? Just pee in only water. But no soap, no shampoo on your tattoo 1 week. 1 week? Yes. But don't take on your tattoo. प्लास्टिक का रिमूव करना कल, और वो कह रहे कि भी एक हफ्ते तक साबुन नहीं लगना चाहिए, शैम्पू नहीं लगना चाहिए, इस पर नहीं लगना चाहिए, तो कैसे प्रोटेक्ट करेगी? अच्छा बैंडेड लगा लियो ना नहाते टाइम, वो बैंडेड वगैरह होती है। चले पैसा भी तो देना है। सिर्फ यही है खाउसन रोड जहाँ से हम आए थे, और ये ख़त्म हो गई है, तो इतने में ही है रोड में जो कुछ है। और इधर मेरा होटल था, हॉस्टल था जहाँ मैं रुका था पहले, तब ये नहीं बना था, पुलिस स्टेशन नया बना है, पहले नहीं था ये। तो दोस्तों अभी हमने टुक टुक किया है खाउसन रोड से नाना प्लाजा का, नाना के में ही हमारा होटल है वहाँ तक का। इसने बैठी भी नहीं थी, कह रही थी ये छूट जाएगा, तूने तो कहा था
यार कमाल है, थोड़ा तो एहसान रखा करो। तुमने उसको ध्यान दे दिया? नहीं, उसी को ध्यान देकर के तो दे रहा हूँ, तो मैं तो 150 मार्क में पहुंच जाता। ऑन लाइट्स, लाइट ऑन, लाइट के चक्कर में तुम टुक टुक बैठे हैं। ये देख ले, हो गई लाइटें जल गई। तो दोस्तों वैसे टैक्सी से कम पैसे लगते हैं, टुक टुक वाले ज्यादा लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइट्स। अरे एक बार में एक ही को बना देते हैं। अरे उन्होंने लिखा है कोई छीन के भाग जाएगा फोन। ये भी लिखा हुआ है ना, फोन छीन के भाग जाएगा।